हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इसके स्मार्ट बोर्ड को जेटेक करना। जेटेक कैसे करते हैं, बैकअप कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं। जैसे लिया जाता है वैसे ही दिया जाता है। ये बोर्ड में हम लोग नॉर्मल जैसे जेटेक करते हैं वो उस तरह से नहीं होगा, थोड़ी सी इसकी तरीका अलग है। ये बोर्ड की नंबर है TP.HV320.PB801। ये बोर्ड कुछ इस तरह से लुक में आती है। इसको जेटेक करने के लिए एक आपकी प्रोग्रामर चाहिए, RT809H नहीं, और एक उसकी कनेक्टर वायर चाहिए, सॉकेट, जो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। चार वायर, चार वायर में एक ग्राउंड है, एक CMD है, एक D0 है और एक CLK है। इसकी पिन फाइंड आउट होना जरूरी है। पिन फाइंड आउट होने से भी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग जेटेक करते हैं, नॉर्मल जेटेक का सवाल है कि क्रिस्टल को हम लोग शॉर्ट करके ग्राउंड करते हैं ताकि ऑल वोल्टेज जो है वो रिलीज हो जाए और फिर इसमें हम लोग लाइन दे देते हैं। ये सब वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं देता हूँ ताकि रास्ता दिखाता हूँ। अगर आपको फुल डिटेल जानकारी लेनी है, पैनल, SMPS, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर, स्मार्ट बोर्ड, तो आपको कोई हमारी ट्रेनिंग अटेंड करना होगा। हमारी ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेंगे, कोई दूसरे का भी कर सकते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग जो है आप लोग के लिए, अगला जो ट्रेनिंग होगी हमारी बालाघाट MP में, ये 20 मेंबर का ट्रेनिंग होगा। आप लोग याद रखें दोस्तों, ये फरवरी 2022 में होगा। आप कृपया करके ऑर्गेनाइजर 9425 8424544 कॉल करके अपना सीट बुक करा ले। ये 20 मेंबर का बैच होगा, मैं बार बार बोला हूँ, 20 मेंबर का बैच होगा। इस 20 मेंबर में 5 मेंबर अभी हो चुके हैं, 15 मेंबर को और लेना है। यानी ये हमारी कोई लिमिटेड सीट नहीं है, ये फिक्सेबल सीट है। फिक्स लिमिटेड का मतलब हुआ कि हम 10 भी आया तो हमारा उतना ही लिमिटेड, 50 भी आया तो उतना ही लिमिटेड। और ये कोई प्रोजेक्टर पर ट्रेनिंग नहीं होगी, A to Z प्रैक्टिकल होगी। बालाघाट MP, इसको आपको आने के लिए गोंडिया स्टेशन है, एक महाराष्ट्र में पड़ती है गोंडिया, वहाँ पर आपको उतरकर, ये बालाघाट एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको आना पड़ेगा जो कि लगभग गोंडिया से 1 घंटे की दूरी पर है। बांग्लादेश जो ने बोलछी शीघ्र ही ट्रेनिंगटा होबे, किछु सीट खाली आछे, ये जो ने ट्रेनिंगटा होच्छे ना, जदि ढाका ट्रेनिंग लेते चान तो ऊपरे नंबरे कॉल करूँ, মাগুরাতে ট্রেনিং নিতে চান তো নিচে নম্বরে কল করবেন। এই ট্রেনিং এ A to Z প্র্যাকটিক্যাল হবে, উইথ বন্ডিং মেশিন সঙ্গে হবে। আব হাম লোগ আগে বড়ে তো দোস্তো, ইসকা পহলে হামারা জেটেক ফাইন্ড আউট পিন চাহিয়ে। তো জেটেক কে লিয়ে মে আপকো থোড়া সা জুম করকে দিখানা চাহতা হুম। ইসকি জেটেক আগার আপ জানতে হ্যায় তো বড়ি আচ্ছি বাত হ্যায়, নাহি জানতে হ্যায় তো আপ দেখ লে। ইস রেজিস্ট্যান্স কি ইয়াহা পর লাস্ট মে, यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा जूम कर दो, थोड़ा सा, इस रेजिस्टेंस की अंतिम छोर पर हमारी CMD लगेगी। CMD यानी कमांड लगेगी। और यहाँ जो एक NC दिख रहा है, इस जगह पर हमारा CLK लगेगा। और यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर हमारा D0 लगेगा। और अब हम इसकी तुरंत कनेक्शन कर ले ताकि वीडियो लंबी ना हो। बहुत सावधानी से आपको ये कनेक्शन कर लेना होगा। और करने के बाद क्रिस्टल को हम लोग शॉर्ट करके, यानी दोनों पिन को शॉर्ट करके हम लोग ग्राउंड करते हैं ताकि इसकी जो हमारी ओरिजिनल सप्लाई है वो मिल जाए। अधिकतर सेट में ये अपनाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ सेट में ये रीड नहीं होगी, टाइम आउट लिखेगा, तो उससे भी आपको घबराना नहीं है। और ये बोर्ड का एक प्रॉब्लम है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर इससे ये बोर्ड में नहीं होता है, बहुत बड़ा काम को बोलते भी है हमारे ट्रेनिंग में। तो मैं उसको बोलता हूँ कि इसको इस तरीके से करने से ये ओके होगा और वो जाकर सक्सेस भी होते हैं, तो आपको भी इसी तरह से सक्सेस होना है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये कनेक्शन कर चुके हैं और क्लॉक CMD और D0 कुछ इस तरह से कनेक्शन करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि एक वायर लेते हैं और क्रिस्टल को ग्राउंड करके फिर हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, यानी क्रिस्टल को दोनों पिन को लेकर हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। तो
हम लोग ये प्रक्रिया भी एक बार करके देख ले, इससे नहीं होगा तो फिर हम लोग दूसरा जो तरीका है वो अपनाएंगे। तो देख रहे हैं कि ये हमारा प्रोग्रामर लैपटॉप या डेस्कटॉप कनेक्टर से जुड़ चुका है और जुड़ने से ही ये सीरियल नंबर पहला दिखाई देगा और ये हमारी एच की है जो कि आपको वहाँ पर एच दिखाई दे रहा होगा ऊपर में सेटअप इसकी। और यहाँ पर जैसे कनेक्शन हुआ, कनेक्शन करने के बाद अब हम इसको जो है AC 220 में इसको देंगे और 220 देने के बाद हम यहाँ पर देख लेंगे कि ये हमारी EMMC की जो सप्लाई है 3.3 वोल्ट वो प्रेजेंट आ रही है कि नहीं। यहाँ पर दिखाइए मीटर पर, तो यहाँ पर आपको मीटर पर दिखाई दे रहा होगा 3.2 वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जाएंगे स्मार्ट आइडेंटिटी पर और ये स्मार्ट आइडेंटिटी पर जाकर हम EMMC ISP पर जाएंगे और इसकी वोल्ट जो है हम 3.3 वोल्ट पर सेट करके रखेंगे और इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद पहला ये जो राउंड है वो हमको इंडिकेट करेगा ओके। उसके बाद हम चले जाएंगे सेटिंग पर और सेटिंग पर जाने के बाद हमको यहाँ पर यूजर एरिया boot 1 boot 2 RPMB EXT_CHD ये बाकी जो फाइल है 5, इसमें से हमको क्या करना है हम एक साथ भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक मैं बार बार बोल रहा हूँ 10 मिनट का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक पूरी ट्रेनिंग में हमारी फुल डिटेल्स जानकारी दी जाती है। फिर भी ये टॉपिक इसलिए उठा है कि इस बोर्ड को जो हम बोर्ड नंबर आपको दिखाया HV320 PB801 को जेटेक करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशान हो जाते हैं, जो नहीं जानते हैं वो मतलब मेरे हिसाब से 100 में 10 आदमी जो है वो जानते हैं, 90 परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको तरीका मालूम है कि हमको क्रिस्टल शॉर्ट करके और ग्राउंड करने से जो हमारी जेटेक है वो सब सेट हो जाती है लगभग हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ सेट है जो नहीं होती है। तो हमको यहाँ पर जो चेक अनचेक करना है वो कर लेंगे, boot 1 को हम ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा VCC Q, तो बहुत सा VCC Q 3.3 वोल्ट पे होता है और बहुत सारा VCC Q 1.8 का होता है। ये 3.3 वोल्ट की है फिर भी हम 3.3 देकर अगर इसको ओके करेंगे तो ओके करने के बाद जब हम इस पे रीड पे जाएंगे तो ये रीड टाइम आउट लिखेगी। यहाँ पर दिखाइए, देखिए दोस्तों ये हमारी 11 नंबर जो रीडिंग दिखा रहा है ये दिखा रहा है रीड टाइम आउट। फिर हम सेटिंग पे गए, हो सकता है हमारी जो ये VCC Q है वो हमारी 1.8 की है तो हम यहाँ पर 1.8 दे और 8 देने के बाद ओके करें और ओके करने के बाद तब हम इसको क्या करेंगे फिर रीड करेंगे। दोस्तों फिर हमारी जो है 13 नंबर जो है फिर रीड टाइम आउट हुआ। कुछ इस तरह से बहुत परेशान होते हैं तो इसमें परेशान होने की घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। इसकी हम लोग लाइन क्या करें ऑफ कर दें और ऑफ कर दें, क्रिस्टल शॉर्ट रहेगा भी तो चलेगा, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। चलो हम लोग क्रिस्टल को ही हटा दें यानी निकाल कर अलग कर दें। कुछ इस तरह से बहुत सारी बोर्डें की जाती हैं किंतु ये बोर्ड जो है ये ऐसे नहीं होगा। अब हमको क्या करना होगा, ठीक इसकी ही वायर में एक हमारा VCC है, VCC वायर है, एक VCC Q है। हम इस वायर को बहुत कम काम में लगता है इसलिए हम इसको इस तरह से रखते हैं, हम लोग निकाल लेंगे। वीडियो लंबी ना हो, थोड़ी सी पोज करो। ये हमारी VCC है तो आप सोचते हो कि VCC का मतलब 3.3 वोल्ट, दोस्तों 3.3 है लेकिन ये जो है हमारी प्रोग्रामर से वोल्टेज आती है जो कि इसको ऑटो एडजस्ट कर लेगी यानी 2.8 वोल्ट देगा। ये जो EMMC है हमारी 2.8 वोल्ट पर वो रन करेगी यानी जेटेक होगी या बैकअप लिया जाएगा या बैकअप दिया जाएगा, इजी आप समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा 3.3% है फिर भी वो नहीं हो रहा है। हम लोग एक बार फाइनली देखेंगे कि इसकी वोल्टेज यहाँ पर कितनी आ रही है। हम यहाँ पर दे देंगे VCC, सिर्फ VCC देंगे। एक वायर हमारी VCC Q है और एक हमारी वायर है VCC। अब इसको हम यहाँ पर दे देंगे सॉकेट को यानी लगा देंगे
और ठीक सावधानी से, क्योंकि वायर जो है वो हमारी टूट ना जाए, यानी डिस्कनेक्ट ना हो जाए। अब हम इसमें लाइन नहीं देंगे, अब हमको इसमें लाइन देने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह से आपको करना होगा इसका, अगर बैकअप लेना है और बैकअप देना है तो। अब हम प्रोग्रामर की लाइन देंगे। याद रखना दोस्तों, जब भी कनेक्शन करें प्रोग्रामर और लैपटॉप का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी लैपटॉप से या डेस्कटॉप से एक तरह का अर्थ निकलता है, उस अर्थ से भी हमारी ईएमएमसी जो है खराब होने की चांसेस रहती है। अब हम फिर चले जाएंगे, फिर एक बार हम लोग इस प्रक्रिया को बंद कर दें, और बंद करने के बाद फिर हम लोग चालू करें। हमने यहाँ पर लाइन नहीं दिया है दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारी मेन कॉर्ड जो है वो मैं निकाल चुका हूँ। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, इस मेन कॉर्ड को हमने निकाल दिया, और इसकी एक पीली वाली वायर हमने वीसीसी दिया, जो कि ये वीसीसी ठीक यहाँ से यहाँ पर कंटिन्यूटी आती है सप्लाई। अब हम लोग चले जाएंगे फिर वही प्रक्रिया में, स्मार्ट आइडेंटिटी वहाँ पर आप दिखाए, फिर ईएमएमसी और 3.3 वोल्ट को इसको ओके करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10 मिनट का वीडियो में आप मत सोचिए कि पूरी काम आप जान लेंगे। अब उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सेटिंग। सेटिंग में बूट 1 दिया हुआ है और मैं वीसीसी क्यू 3.3 दूंगा और इसको ओके करूंगा। अगर वीसीसी क्यू 3.3 देने के बाद भी रीड टाइम आउट होता है, तब हम चेंज कर सकते हैं, 1.8 दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा कनेक्शन सही मिला, इसीलिए ये बिन फाइल में आ गया। अब हम इसको यहाँ पर इस बोर्ड का नंबर देकर, जैसे इस बोर्ड का नंबर है TP.HV320.PV801, इस तरह से देकर अब हम इसको थोड़ी सी स्पेस देकर बूट 1 लिखकर हम इसको सेव कर सकते हैं। सेव आपको जहां दिल करे आपको वहां सेव कर लेना होगा, डेस्कटॉप हो, ई हो, ड्राइव हो, सी ड्राइव हो, जहां आपको जगह मिले आपको वहां पर सेव कर लेना होगा। और हम इसको आप सेव किए, जैसे सेव करेंगे ये फाइल तुरंत सेव हो जाती है। ये लगभग 4 MB की फाइल होती है। और फिर हम चले जाएंगे सेटिंग में, कुछ इस तरह से आपको ये बैकअप लेना पड़ता है। बूट 1 हमने ले लिए, इसको अनचेक करके बूट 2 पे चले जाएंगे। वीसीसी क्यू 3.3 1.8 देंगे तो फिर रीड टाइम आउट लुकेगा। आप इस ऑपरेशन को ऑल्टरनेट करके देख सकते हैं आपकी कितनी ईएमएमसी आईसी जो है कितनी वीसीसी के ऊपर रन करती है। हम चले जाएंगे फिर रीड, और जैसे रीड पे गए तो ये हमारा फाइल नाम दिया। अब हम इसको इस फाइल से तो पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए अब हमको फिर TP.HV320.PV801 स्पेस थोड़ा देंगे और बूट 2 लिख देंगे। जैसे कि बूट 1 हमने ले चुके हैं तो इसको बूट 2 लिखेंगे, और बूट 2 लिखते हुए फिर हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ये बोर्ड नंबर से सेव इसलिए होता है कि ताकि आपको लेने देने में सहूलियत हो, दिक्कत का सामना ना पड़े। फिर हम जाएंगे और सॉरी, मैंने फिर रीड दिया तो फिर इसने फाइल दिया, गलत हो गया, हम कैंसिल करेंगे और फिर सेटिंग में जाएंगे, क्योंकि हमने बूट 2 को तो ले चुके हैं। अब हम जाएंगे EXT_CHD, इस फाइल को भी लेना कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ता है दोस्तों, और इसको भी हम लेकर रख सकते हैं। और हम अभी इसको नहीं लेंगे, तो अब लेंगे हम यूजर एरिया, और यूजर एरिया को लेने के लिए काफ़ी समय लगता है। जितनी बड़ी फाइल होगी उतना समय ज़्यादा लगेगा, यानी एक यूजर एरिया लेने के लिए कम से कम आप आधे घंटे से 1 घंटा के अंदर आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हरकत होने से ये क्या होती है, हमारी ईएमएमसी जो है वो 90%, 82%, कुछ परसेंट बाकी रहते हुए एरर शो हो जाती है। एरर फाइल को कभी आपको सेव नहीं करना होगा। अब हम जाएंगे रीड पर, और इसने फाइल का नाम दिया, और फाइल का जैसे नाम दिया तो फिर हमारा प्रक्रिया ऐसे है।
अब जब हम यूजर एरिया लेते हैं ना, तो यहाँ पर यूजर एरिया में आपको रेजुलेशन लिखना पड़ता है कि इस बोर्ड की रेजुलेशन क्या थी और इस बोर्ड का आईआर क्या था, यानी रिमोट कैसे वर्क करता है। तो हम टीपी डॉट एच वी और 320 फिर डॉट पीबी 801 स्पेस देकर हम यूजर दे सकते हैं। यूजर देने से यूजर लिखेंगे और उसके बाद अगर हमारा एचडी है तो एचडी लिखेंगे, आईआर अगर है तो आईआर चाइना लिख देंगे, या सैमसंग काम कर रहा है तो सैमसंग, एलजी कर रहा है, ये जो होगा, और उसके बाद हम इसको सेव करेंगे ताकि फ्यूचर में हमको ढूंढने की जरूरत पड़े तो इजीली ये मिल जाए। यहाँ पर लिख रहा है ये लार्ज कैपेसिटी का फाइल है, पार्टीशन किया जा रहा है, आपको बहुत समय लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए दिया हूँ कि ताकि ये बोर्ड में आपको प्रॉब्लम ना हो, कुछ इस तरह से इसका बैकअप लिया जाता है और कुछ इस तरह से बैकअप दिया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा, ये सही तरीका है। आप लोग बोलते हैं कि सर किसी ने इमेज में यहाँ पर VCC क्यों दिया है, यहाँ पर VCC दिया है, ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे देंगे। और एक बात बताए थे कि यहाँ पर हमारी 3.3 वोल्ट आ रही थी, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ये VCC क्यों जो हम प्रोग्रामर से दिए हैं तो हुआ, और डायरेक्ट जो VCC क्यों मिल रहा था उससे नहीं हुआ, तो आखिर यहाँ पर वोल्टेज कितनी परसेंट है ये आप देख ले। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो बालाघाट MP में होगी, ये आपको सुनहरा मौका है अपडेट होने के लिए, ये आपका नज़दीकी एक जिला है, तो अगर आपको इसमें आना है तो सिर्फ आपको याद रखना होगा 20 मेंबर, सिर्फ 20 मेंबर का बैच है, कोई लिमिटेड नहीं, फिक्सिबल सीट है। सब लोग बोलते हैं लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आता है, ये फिक्सिबल सीट है 20 मेंबर। बांग्लादेश एजेंट ने बोलती शीघ्र ही तारातारी हो गए अपनारा सीट बुक दिन, जतो তাড়াতাড়ি সিট বুক দেবে তত তাড়াতাড়ি ট্রেনিং হবে, বোর্ডিং মেশিন সাথে হবে সহ হবে A to Z। আব হাম লোক ইয়াহ পর ভোল্টেজ দেখ লে, ইয়াহ পর দেখাইয়ে আপ রাখিয়ে, সাবধান সে আপকো মাপনা হোগা, রে রানিং হ্যায়, রানিং মে ইয়ে মাপনা গলত হ্যায়, ফির ভি হামারা তাজুরবা হ্যায়, ইসলিয়ে মে দেখ রাহা হুম 2.8 ভোল্ট। দোস্তো দিখ রাহা হ্যায় আপকো 2.8 ভোল্ট, আর ইয়ে হামারি লগভগ अभी 3% हुई है, ये लगभग हमारी 100% तक जाएगी। ओके दोस्तों, बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।